स्वागत और अभिनंदन। आज इस वीडियो के माध्यम से कई सारे लोगों के लिए एक ऐसा प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है जिसके बारे में आपने कहीं पर पढ़ा तो अवश्य होगा, लेकिन आज वो चर्चा का विषय बहुत ही कम हो गया है। जैसा कि टाइटल है कि साधुता से संभोग की ओर, जो अपने आप को सभ्य सुसंस्कृत या वेल कल्चर्ड मानते हैं या जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं या समझते हैं, तो वो लोग सोचते होंगे कि गुरुदेव ये आखिर क्या कहना चाह रहे हैं कि साधुता से संभोग की ओर। मैंने लिखा भी है कि सामाजिक और एक यौगिक विश्लेषण। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि साधुता क्या होती है और साधु क्यों नहीं संभोग कर सकता है, इस पर आपको विचार का विषय ये जानना ही होगा आपके लिए। साधुता का जो अर्थ है वो एक स्वभाव से है। साधु उस व्यक्ति के लिए कहते हैं जो साधुता को साधने की चेष्टा करता है। साधुता नाम एक मेंटल क्वालिटी का है। काय का है? साधुता नाम एक मेंटल, एक मानसिक गुण का नाम है। साधु का अर्थ जब तुमको पता चल जाएगा तो साधुता भी समझ में आ जाएगी। साध्यति इति साध्या, जो साधता है, जो समझता है सृष्टि के नियमों को, प्रकृति के नियमों को, उसे साधु बोला जाता है। जो संतुलन एक स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, जो इंद्रियां और मन को साधने की चेष्टा कर रहा है, साधना कर रहा है, कहते हैं साधना, साध पिलसना, साधो ना, साधु ही साधना करता है। किसको साधना? अपने जो चीज बिगड़ गई है, जो आउट ऑफ कंट्रोल है, उसको नियंत्रण में रखना, उसको साधना, उसको संभालना ही साधुता का अंग होता है। तो मन बिगड़ गया है, हमारी दृष्टि बिगड़ गई है, हमारी वाणी बिगड़ गई है, हमारी सोच बिगड़ गई है और हमारी कामऊर्जा बिगड़ गई है, जिसको आप कुंडली शक्ति भी कहते हैं। इन सबको साधने का नाम ही साधुता होता है। और जिसने साध लिया, तो साधु जिसने साध लिया अपने स्वभाव को, अपनी वृत्तियों को, अपनी जो अनियंत्रित चेष्टाएं थी, ऊर्जा की जो गतियां थी, उनको नियंत्रण में कर लिया, जिसने साध लिया वो साधु है। तो ऐसा साधु संभोग क्यों नहीं कर सकता है? भारतीय इतिहास, भारतीय वाङ्मय, हमारा पौराणिक काल से, वैदिक काल से, ऐतिहासिक काल से इस बात का गवाह रहा है, साक्षी रहा है कि साधु पहले के जमकर संभोग करते थे, सेक्स करते थे। अभी जो ये मध्य काल आया भारत के अंदर, इतिहास का वो दौर आया जिस समय तुम्हारे सनातन की, हमारे सनातन की धज्जियां उड़ाए बाहर के आक्रांताओं ने आकर के, उसमें घालमेल किया, उसमें जहर बो दिया, उसमें विषैलापन ला दिया। तो उस दौर में साधु अपने कर्तव्य से भटक गया और साधु को केवल और केवल एक चौकीदार बना के रख दिया कि तुम्हें मंदिर संभालना है, तुम केवल धर्म के ठेकेदारी करोगे, इसके बदले में समाज तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करेगा, वस्त्रों की व्यवस्था करेगा, आवास की व्यवस्था करेगा, सोने चांदी के छप्पर और खड़ाओं और झंडे की व्यवस्था करेगा। क्या हुआ
ये देखिए ना, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज या फिर उज्जैन या फिर नासिक या फिर हरिद्वार जैसे स्थानों पर देखिए कितना आडंबर होता है, पाखंड होता है। आखिर इन तथाकथित साधुओं के पास में इतना सोना चांदी आया कहाँ से? वो दिया हुआ तो समाज के ही अंधविश्वासियों के द्वारा है ना? साधु को जो चीज साधना चाहिए उससे तो वो भटक गया। केवल रामायण की चार बातें याद कर लें, गीता के 50 श्लोक याद कर लिए और बन गए साधु। राम की कहानी को संस्कृत में सुना दे वो विद्वान है। संस्कृत को जो तो इसका अर्थ है जो भाषा को तोते की तरह बोलने लगे, किसी भाषा को चार भाषाओं में बोलने लगे, तो उसका साधुता से और साधुगिरी से क्या संबंध? कृष्ण ने कभी गीता में यह नहीं कहा कि साधु का अर्थ जिसने ज्यादा श्लोक याद कर लिए, जिसने अपने आचरण में अपने जीवन में रूपांतरण किया है एक सकारात्मक, उसको योगी या साधु तो बोला गया है। जबकि एक उक्ति कहती है कि शैले शैले न माणक्यो मोक्ति कम न गजे गजे, हर हाथी के सिर में गज मुक्ता नहीं होती है, हर जंगल चंदन का नहीं होता है, या फिर हर जंगल में चंदन का वृक्ष नहीं होता है, साधु होना सर्वत्र। इसी प्रकार से साधु सर्वत्र नहीं पाए जाते हैं। साधुता को प्राप्त करने के लिए तप और त्याग और योगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपनी ऊर्जा पे नियंत्रण प्राप्त करना होता है, तो ऐसे लोग सर्वत्र नहीं हो सकते हैं। सर्वत्र भोगी और विलासियों का जमावड़ा है। तो चर्चा चल रही थी कि हिंदू ने अपने साधुओं को, तथाकथित साधुओं को बिगाड़ने का काम किया है। इतना सोना, इतना चांदी, एसी लगे हुए हैं और वो पर्यावरण पे ज्ञान पेल रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, पर्यावरण को क्षति पहुंच रहे हैं, जबकि उनके कमरों में, आश्रमों में एसी लगी हुई है। ऐसे भोगी विलासी लोगों के लिए तुमने बोल दिया साधु है। केवल उनको संभोग करने की परमिशन नहीं है खुलेआम, अर्थात साधु संभोग नहीं कर सकता, बाकी सब कुछ कर सकता है। अपने शिष्य और शिष्याओं से चुपचाप सेक्स कर सकता है, नो प्रॉब्लम। कहते बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, जिसका खुल गया तो वो खाक में मिल गया। तो जो साधु नाम साधना का है, जिसने साध लिया है ना अपनी काम ऊर्जा को, अपने मनोविकारों को, अपने मन की चंचलता को, अपने बुद्धि के वैमनस्यता को जिसने साध लिया, वो साधु है। और ऐसा साधु संभोग क्यों नहीं कर सकता, प्रश्न ये है, क्यों नहीं कर सकता है? अब साधु का एक उल्टा विपरीत लेता हूं मैं, एक एंटोनिम्स उठाते हैं। साधु का उल्टा क्या होता है? शैतान या असाधु होता है या दुष्ट होता है। जब शैतान प्रकृति के लोग संभोग कर सकते हैं, दुष्ट लोग कर सकते हैं, शराबी कर सकते हैं, अज्ञानी कर सकते हैं, तो साधु के संभोग करने से किसी को भला क्या आपत्ति हो सकती है? जब हमारी सनातन संस्कृति में जमकर साधु उस समय सेक्स करते थे, संभोग करते थे, तो सनातन धर्म बड़े उत्थान पर था। हो सकता है मेरी बातों को सुनकर आपको हंसी भी आए या फिर रोना भी आ सकता है कि आपको यह ज्ञान पहले क्यों नहीं मिला। हंसी इसलिए क्योंकि आपने यह ज्ञान पहले क्यों नहीं सुना, तो समझ में नहीं आएगा। तो हो सकता है आप कहें कि यह गुरुदेव क्या कह रहे हैं, हम लोग ऋषि मुनियों की ही संतान है, वंशज। अगर ऋषि मुनियों ने सेक्स नहीं किया होता तो हम और आप आज अस्तित्व में नहीं होते, आज हमारे आपके पास में वो ज्ञान नहीं होता।
फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, भारत के जो तीन महान अवतार हैं, शक्तियां हैं पौराणिक काल से, शिव, कृष्ण और राम, ये तीनों ही संभोग का मार्ग इन्होंने अपनाया। संभोग माने जिससे सृष्टि चले। अब आप एक बात बताइए, जब दुष्ट संभोग करेगा और उससे जब गर्भाधान होगा तो क्या साधु की उत्पत्ति की संभावना हो सकती है? बताएं, शराबी शराब पी करके सेक्स कर सकता है? कोई पाबंदी नहीं। जो साधु है, जो संयमी है, अगर वो सेक्स करेगा तभी जा करके अच्छी संतान का जन्म होने की संभावना होगी और तभी हमारे आपके समाज में कुछ ऐसे क्रांतिकारी वैज्ञानिक, आज किताबें लोग बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन आत्म अनुशासन खत्म हो चुका है, इंजीनियर हो चाहे वो डॉक्टर हो, जीवन शैली पर्सनली सबकी भ्रष्ट हो चुकी है, आत्मनियंत्रण खो चुके हैं। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि लोगों के पास में गुरु ज्ञान और गुरु के तटस्थ रहने की जो एक प्राचीन परिपाटी थी वो लुप्त होती चली जा रही है। जब गुरुओं के पास रहोगे नहीं तो वो तुम्हें कहाँ से संयम सिखाएंगे, कहाँ से शिक्षा देंगे, कहाँ से तुम्हें अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे? तुम तो ऑनलाइन बैठ करके ही योग सीखने के इच्छुक रहते हो, है ना? तो बहुत सारे लोग मुझसे भी इस संदर्भ में बात करते हैं। पहले कभी हमने स्टार्टिंग में कुछ प्रक्रियाएं ऑनलाइन सिखाई, बाद में हमारे लिए कुछ ऐसे संकेत मिले दैवीय शक्तियों के द्वारा जिन्होंने कहा ये एक बहुत बड़ा किया प्रज्ञा अपराध होगा, गुरु अपराध होगा, क्योंकि सुविधा के साथ में जो चीज़ मिलती है उससे विलासिता की उत्पत्ति होती है, उससे कुछ विशेष आध्यात्मिक रूपांतरण नहीं होता है। तो गुरु के सान्निध्य में रह करके जो सीखते हैं समझते हैं तो उनकी ऊर्जा में विशेष रूप से रूपांतरण होता है, उनके विचारों में, उनकी सोच में, उनकी चर्या में, उनके संयम में एक बदलाव आता है। तो कहने का अर्थ है कि साधु संभोग क्यों नहीं कर सकता है? शराबी कर सकता है, जुआरी कर सकता है, इंजीनियर कर सकता है, डॉक्टर कर सकता है, लेकिन साधुओं पे तुमने लगा दी पाबंदी, इसीलिए तुम्हारी सनातन संस्कृति भ्रष्ट हो गई। आज देखो मुल्ला मौलाना के संभोग पे कोई रोकथाम नहीं है, इसीलिए देखो उनका धर्म कितना उत्थान की ओर है, और तुमने साधु को केवल एक चौकीदार बना दिया कि सब कुछ मिलेगा, लेकिन कभी तुमने किसी साधु से पूछा कि तुम्हारा मन भी सेक्स करने के लिए करता है या नहीं? क्योंकि तुम्हें मालूम है वो महान है, उनका मन कहाँ चलेगा। अरे तुम्हारे राम कृष्ण ने, राम ने, कृष्ण ने, शिव ने, शंकर ने, सबने सेक्स किया, ऋषि मुनियों ने किया, तो ये बेचारे लंगोटीधारी भगौड़े क्या चीज है? इसलिए मैं कहता हूँ ईमानदारी से जियो। हमारे धर्म में, मतलब मैं जिस धर्म से बिलोंग करता हूँ, हिंदू उर्फ सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में ये बहुत बड़ा दोष उत्पन्न हो गया है कि साधु को संभोग पे पाबंदी है, उसे अच्छी नज़र से नहीं देखते, उसका सम्मान कम कर देते हैं। और साधु, साधु का मतलब तुमने उसे निकम्मा बना दिया। महाराज तुम्हें कहीं नहीं जाना, नौकरी नहीं करना है, काम धंधा नहीं करना है, तुम केवल ज्ञान की बातें बकते रहो बकते रहो, तुम केवल ठेकेदारी को संभालिए बैठ करके, बस केवल सेक्स नहीं करना है, अगर मौका मिले तो अपने शिष्य के साथ, शिष्याओं के साथ में मुकाला करते रहिए समय समय पर, तो इससे भ्रष्टाचार को ही जन्म मिलेगा। मैं कहता हूं जो हो खुले आम, एक स्पष्टता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, वो तुम्हारे धर्म में, हमारे धर्म में वो चीज लुप्त तो हो गए। इसीलिए बड़े बड़े शंकराचार्य देखो कैसे कैसे मोटे मोटे पेट और मोटे मोटे चूतड़ वाले हैं, 5-5 किलो के गोल्डन बाबा सोना लाते हुए घूम रहे हैं, ऐसे नालायकों के पास सोना कहाँ से आया? क्या इन्होंने जादू से सोना बना दिया? नहीं, कुछ ऐसे मूर्ख हैं समाज के लोग
जो ऐसा चढ़ावा चढ़ाते हैं, खुद भी भ्रष्ट होते हैं, उनका दान उनके लिए नरक में ले जाएगा और साधुओं को भी भ्रष्ट करते हैं। तो मेरी अपील है, प्रार्थना है, अगर समाज संस्कृति और सनातन को जीवित रखना है तो साधुओं को निश्चित रूप से संभोग में सपोर्ट करिए और उनको पार्टनर उपलब्ध करवाइए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आपको पता है पहले गुजरात में एक ऐसा एरिया था, क्षेत्र था, अगर कोई साधु ब्रह्मचारी किसी से उसकी लड़की को भी मांग लेता था तो वो उसको दे देते थे, उसकी व्यवस्था करते थे, जीविका की व्यवस्था भी करते थे। आज कौन इस बात को, हाँ शिष्य बना के आप रख सकते हैं, लेकिन जीवन साथी बना के रखने के लिए अगर आप कहेंगे तो लोग आपको बुरी नज़र से देखेंगे, तो साधु भी क्या करे फिर, वो भी पाखंड करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, दुराचार करेगा, और जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो बलात्कार भी करेगा। इससे सत्यानाश हो रहा है संस्कृति का। तो ऋषियों की ओर लौटिए, सनातन संस्कृति में साधु जब जमकर संभोग करते थे तो सनातन संस्कृति, सनातन का ज्ञान चरम सीमा पे था, शिखर पे था, और आज कितने हैं देखिए प्रवचन कर रहे हैं, सब पाखंडी हो चुके हैं, सब ड्रामेबाज हो चुके हैं। जो करना है खुल के करो, मजा आएगा जीवन जीने में, बड़ी प्रसन्नता मिलेगी, नहीं तो उदास हो जाओगे, थके हुए हो जाओगे, मन कर रहा है सेक्स करने का और अंदर और ऊपर से आप अपने को संयमी बनाए हुए, दबाए हुए हैं अपने चेष्टाओं के लिए बलपूर्वक, इससे कुछ नहीं होगा, प्राकृतिक मार्ग है संभव। मैं कहता हूँ कि विषम भोग दुनिया करे दय दय अपने प्राण, और साधु तो सब भोग करे पावे पद निर्वाण। साधु के संभोग से ही श्रेष्ठ संतान का और समाज का निर्माण हो सकता है, ना कि शैतानों के द्वारा, दुष्टों के द्वारा संभोग करने पर। तो निश्चित रूप से आताताई, उपद्रवी और भ्रष्टाचारी ही पैदा होंगे। तो मेरे भाइयों, अगर संसार से भ्रष्टाचार खत्म करना है, श्रेष्ठता को लाना है, तो निश्चित रूप से सनातन धर्म को आगे आना होगा और अपने जो उनके साधु हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनको एक सहयोग देना होगा, एक मौका देना होगा, ताकि उनके सेक्स से अच्छी संतानें पैदा हों। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। लोग कहते हैं अच्छी संतानें पैदा नहीं होती हैं, कहाँ से पैदा होंगी, क्योंकि तुमने तपो त्याग और संयम तो किया नहीं, चटोरापन है तुम्हारी जीभ में, कहीं कुछ खा रहे कहीं कुछ खा रहे हो, जब सेक्स करोगे तो चटोरी औलाद पैदा होगी। अब मैं ऐसी बातें करता हूँ तो लोग कहते हैं गुरुदेव बहुत भ्रष्ट है। ठीक है, मैं भ्रष्ट ही सही हूँ, मैं अपनी भ्रष्टता में खुश हूँ, लेकिन ऐसी भ्रष्टता नहीं है कि कोई मुझ पर क्लेम कर सके। ओम शांति, ओम क्रांति। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि समाज में जागरूकता पैदा हो।